दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा तो बेहद खूबसूरत और गोरा होता है, लेकिन उनकी गर्दन बहुत काली और बदसूरत होती है। और वे अक्सर यही सोचते हैं कि आखिर गर्दन और गले का कालापन कैसे दूर किया जाए। गर्दन काली होने की सबसे प्रमुख वजह है साफ सफाई की कमी, क्योंकि जब गर्दन को अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है तो गर्दन का रंग काला पड़ने लगता है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे ज़्यादा देर धूप में रहना, धूल मिट्टी और प्रदूषित वातावरण, मोटापा या मधुमेह आदि। अगर आप भी अपनी गर्दन के कालेपन को लेकर परेशान हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें आजमा कर ना सिर्फ आपकी गर्दन का कालापन दूर होगा, बल्कि आपकी गर्दन आपके चेहरे की तरह गोरी और चमकदार भी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला उपाय है चीनी। जी हाँ दोस्तों, काली गर्दन से निजात पाने के लिए चीनी प्राकृतिक स्क्रब का काम करती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए लगभग 1.5 चम्मच चीनी को हाथ में लें और साथ ही पहले गर्दन को पानी से गीला कर लें। उसके बाद चीनी को गर्दन पर रख कर हल्के हाथों से स्क्रब करें। चीनी का गर्दन पर ये स्क्रब करीब 5 से 7 मिनट तक करें और फिर गर्दन को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी काली गर्दन काफ़ी हद तक साफ हो गई है। इसके अलावा चीनी का एक और उपाय भी है। थोड़ी सी चीनी को पानी में उबाल लें और ठंडा होने के बाद गर्दन पर इस पानी की हल्की हल्की मसाज करें। कालापन दूर होने के साथ ही आपकी गर्दन चमकदार भी बन जाएगी। बेहतर परिणाम के लिए आपको ये उपाय हफ्ते में 3 बार जरूर करना है। दूसरा उपाय है रोगन बादाम तेल और टी ट्री ऑयल। दोस्तों, बादाम के तेल में विटामिन ई होता है, जो त्वचा को मुलायम कर इसे जवा बनाए रखता है। और इसके अलावा इसमें कुछ ब्लीचिंग गुण भी होते हैं, जो त्वचा के रंग को निखारते हैं। वहीं टी ट्री ऑयल रक्त संचार को सुधारता है और अगर त्वचा पर किसी तरह के निशान हैं तो उन्हें भी साफ करने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए आप पहले गर्दन को अच्छे से पानी से साफ कर लें और फिर 1 चम्मच रोगन बादाम तेल में 1 से 2 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाकर गर्दन पर 10 से 15 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इसके बाद गर्दन को गुनगुने पानी से साफ कर लें। इस उपाय को आप रोजाना कर सकते हैं, जब तक कि आपकी गर्दन का कालापन दूर ना हो जाए। तीसरा उपाय है उपटन। दोस्तों, गर्दन का कालापन दूर करके चमक लाने के लिए उपटन से बेहतर उपाय कोई और हो ही नहीं सकता। उपटन बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चुटकी हल्दी और 1/2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपनी गर्दन पर लगाकर 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से इसे धो लें। बेहतर परिणाम के लिए आप इस उपटन का प्रयोग हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। और चौथा उपाय है आलू। आलू गर्दन के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। आलू एक प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है और यह त्वचा के काले धब्बों को भी कम करता है। इस उपाय को करने के लिए आप एक छोटे आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें और अब इस कद्दूकस किए आलू को निचोड़कर रस निकाल लें और अब इस रस को अपनी गर्दन पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। इस उपाय को आप रोजाना दिन में 2 बार तब तक करें, जब तक कि आपकी गर्दन का कालापन दूर ना हो जाए। तो दोस्तों, अभी हमने गर्दन का कालापन दूर करने के कारगर उपायों के बारे में देखा है, लेकिन इसी के साथ आपको कुछ और बातों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे मुंह धोने के साथ साथ अपनी गर्दन को धोना ना भूलें, धूप में निकलते समय गर्दन पर सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, अच्छे रक्त संचार और चमक के लिए महीने में 1 बार बादाम तेल से गर्दन की मालिश जरूर करें और ऐसी धातु की चीज़ें गले में बिल्कुल न पहने जिससे आपको एलर्जी हो या जिससे त्वचा काली पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।